भैया तो कहते हैं आजकल मैं हूँ आपका फेवरेट यूट्यूबर, बाप का दादा का भाई का सबका बदला लेकर अतरा फैजल। तो गाइस आज हम लोग ये कॉमिलर रॉयल्स में बांग्लादेश का क्लैन है एंड इनकी वॉर एक ऐसे क्लैन के साथ हुई है, एक ऐसे क्लैन के साथ नहीं एक ऐसे प्लेयर के साथ हुई है जो पूरा क्लैन अकेला संभालता है। क्लैन में 50 के 50 अकाउंट्स ही उसके हैं। यार ऑब्वियसली यार आपको टाइटल देख के पता चल गया होगा, यार मैं भी क्या हूँ क्या, ऑब्वियसली यार आपको टाइटल देख के पता लग ही गया होगा। तो भाई यहाँ पे डॉक्टर मुज्तबा को हरा दिया है भाई इन लोगों ने। एंड डॉक्टर मुज्तबा भाई भाई डॉक्टर मुज्तबा यार किसको नहीं पता यार, दुनिया का नंबर वन पुशर है एंड उसके क्लैन को यहाँ पे कॉमिला रॉयल्स ने हराया है। तो गाइस आज हम लोग उस वॉर के कुछ रिफ्लेक्स देखने वाले हैं एंड कैसे हार गया डॉक्टर मुज्तबा, ये सारी बातें डिस्कस करने वाले हैं। तो गाइस आज की वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है, बहुत मजा आएगा। डॉक्टर मुज्तबा को हरा दिया भाई इन लोगों ने। बाय द वे डॉक्टर मुज्तबा जीत भी सकता था अगर वो चाहता तो। तो भाई ये सारी बातें हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वीडियो में, तो सब्सक्राइब नहीं किया तो करो यार, 5 लाख बहुत ही जल्दी होने वाले हैं यार, सिर्फ 35,000 सब्सक्राइबर्स और चाहिए। एंड आज हम लोग इस बड़े वॉर पे लाइक एम करते हैं 10,000 लाइक्स का, और हम लोग बहुत ही जल्दी एक Q&A करने वाले हैं इंस्टाग्राम पे। तो भाई आप लोगों के जो भी क्वेश्चंस है, जो भी क्वेश्चंस है इंस्टाग्राम पे पूछ लेना, बहुत ही जल्दी वहां पे Q&A सेशन होने वाला है। तो गाइस चलो यार वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो गाइज अभी हम लोग है कॉमिला रॉयल्स में एंड बांग्लादेश का क्लैन है बेसिकली। अगर हम लोग यहाँ पे आते हैं भाई, इनका वॉर लॉग बहुत ही मस्त है यार, बहुत ही मस्त वॉर लॉग है। ये भी 50 वर्सेस 50 वॉर करते हैं, टाउनल 12 भी 50 वर्सेस 50। बांग्लादेश का वन ऑफ द बेस्ट वॉर क्लैन है, जैसे अपने इंडिया में गुजरात फोर्स, गुजरात वॉरियर, साइलेंट किलर्स, इंडियन क्लैशर, ऐसे क्लैन है जो 50 वर्सेस 50 टाउनल 12 करते हैं, ये भी वैसे ही क्लैन है। तो गाइज आते हैं यहाँ पे डिटेल्स में, यहाँ पे देख लो 120 स्टार्स मारे हैं एंड डॉक्टर मुज्तबा ने 100 स्टार्स मारे हैं .100 एंड यहाँ पे 544 का XP मिला है। तो गाइस चलो यार एंटर करते हैं वॉर में। एंड अगर हम लोग यहाँ पे डॉक्टर मुज्तबा की पहले बात करते हैं, तो डॉक्टर मुज्तबा ने यहाँ पे एक भी बेस के ऊपर 3 स्टार नहीं किया। डॉक्टर मुज्तबा के क्लैन ने टोटल 52 अटैक्स करे, मतलब उसने ही करे होंगे भाई 52 अटैक्स, हर अकाउंट से एक एक अटैक करा होगा उसने भाई। टोटल 24 घंटे का रहता है बैटल डे एंड हर अकाउंट से अटैक करना पॉसिबल नहीं होता यार, मतलब 100 अटैक्स करने हैं एक वॉर में भाई, कितना हार्ड होता होगा भाई उसके लिए। यहाँ पे देख लो यार कॉमिला रॉयल्स का एक भी बेस यहाँ पे 3 स्टार नहीं हुआ, सभी बेसेस 2 स्टार ही हुए हैं। एंड हम लोग यहाँ पे अगर आते हैं तो भाई बहुत सारे बेसिस 3 स्टार हो चुके हैं। एंड अगर हम लोग यहाँ पे नंबर 1 से लेके नंबर 50 तक देखते हैं, तो भाई सभी के सभी डॉक्टर मुज्तबा 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 मुज्तबा, लास्ट तक डॉक्टर मुज्तबा है भाई यहाँ पे। अभी डॉक्टर मुज्तबा की क्लैंस की कुछ डिटेल्स देख लेते हैं। सबको पता है ये पाकिस्तान का, मतलब क्लैन लोकेशन पाकिस्तान हुआ करता था पहले, लेकिन अभी टांजानिया कर दिया है। एंड वॉर सिर्फ 8 ही वॉर जीते हैं एंड कॉमिला रॉयल्स के देख लो 517 वॉर जीते हैं यहाँ पे। तो गाइस हम लोग इस वॉर का सबसे बेस्ट अटैक देखने वाले हैं, मोस्ट हीरोइक अटैक जो फैजल ने किया है, सबका बदला लेगा तेरा फैजल, क्या बात है। फैजल ने यहाँ पे अटैक किया है एंड आर्मी देख लो यार कौन सी है, आपको पता है यार कौन सी हो सकती है भाई टाउनल 12 पे, एक ही तो अटैक करनी चाहिए, पिकअप बोबेट देख लो गाइस यहाँ पे पिकअप बोबेट अटैक हुआ है ठीक है। एंड भाई साहब इस बेस के ऊपर इसने स्वैग किया है भाई, 3 स्पेल का स्वैग किया है टाउनल 12 पे, 3 स्पेल का स्वैग करना भाई बहुत बड़ी बात होती है। सबसे पहले तो बलून आ गया इसका ठीक है, बलून के पीछे से इसने एक इलेक्ट्रो ड्रैगन डाल दिया एंड यहाँ पे एक पिक्का भी आ चुका है जिससे वो फनल क्रिएट कर रहा है। एंड फनल क्रिएट होने के बाद सीज मशीन डालेगा, पिक्कास डालेगा, हिलस डालेगा, बोलस डालेगा, सिर्फ 8 ही बोलस लिए है, ज्यादातर लोग 10 से ज्यादा बोलस लेना प्रीफर करते हैं लेकिन यहाँ पे 8 बोलस लिए है, हिलस भी लिए है, सीज मशीन आ चुकी है, फनल साइड में अच्छे से क्रिएट हो चुका है। अभी पेकाज और बोलस के पास दूसरा कोई रास्ता बचा नहीं है अंदर जाने के सिवाय, हीरोज भी अभी अंदर जा रहे, ग्रैंड वार्डन वगैरह सब कुछ डाल दिया, लास्ट में डाले हैं बोलस। यहाँ पे पॉइजन स्पेल लिया नहीं है इसने ठीक है, पॉइजन स्पेल एक भी पॉइजन स्पेल लिया नहीं है, उसकी जगह 4 फ्रीज स्पेल्स लिए है इसने एंड एक रेड स्पेल डाल दिया, टोटल 2 रेड स्पेल, 5 बैड स्पेल्स एंड 4 फ्रीज स्पेल यूज किए, एक भी पॉइजन यूज नहीं किया, क्या बात है। बेसिकली मैं जब अटैक करता हूँ उसमें 6 बैट्स यूज करता हूँ लेकिन इसने यहाँ पे 5 बैट्स यूज करा है, सभी के सभी ट्रूप स्कोर में यार। एंड डबल रेज स्पेल यहाँ पे यूज कर ली इसने एंड वार्डन की एबिलिटी भी सही टाइम पे यूज करी है एंड एक आइस गोलम भी लिया है जो कि लेवल 2 का आइस गोलम है ठीक है, मैक्स भी नहीं है, नंबर 38 में था, नंबर 9 पे 3 स्टार कर दिया, लेवल 2 का आइस गोलम था। सो अभी ये देखना पड़ेगा आइस गोलम कहाँ से डालता है ठीक है, अभी इसके पास एनिमी के पास 2 विजिट हाउस बचे उसमें से एक तो डाउन हो ही जाएगा अभी। एंड आइस गोलम डिप्लॉय नहीं करा है, 38% डाउन हो चुका है 40%। यहाँ पे आइस गोलम के पीछे से सभी के सभी बैट स्पेल्स इसने डाले हैं एंड ये जो विजर टावर है ये डाउन हो ही जाएगा, बिजी है अभी एंड हो गया डाउन ठीक है, बैट्स तो आ चुका है, अभी एक भी विजर टावर बचा नहीं है इस बेस के ऊपर एंड 4 फ्रीज स्पेल्स पड़े हैं भाई इसके पास, एक भी
विजेट टावर ना ही इन्फिर्नो टावर बचा है एंड चार फ्री स्पेल पड़े हैं। क्या बात है भाई, टाउन हॉल 12 पे स्वैग अटैक्स यार बहुत ही कम देखने को मिलते हैं हम लोगों को। यहाँ पे एक बलून भी डाल दिया इसने, क्या बात है भाई। वहां पे देख लिया भाई इसने, रेड एयरमाइन ट्रिगर कर लिया, सॉरी रेड बॉम्ब ट्रिगर कर लिया। अगर रेड बॉम्ब वहां पे वो ट्रिगर नहीं करता तो भाई सभी के सभी बैट्स गायब हो जाते। आई थिंक इस बेस के ऊपर पहले भी एक अटैक हो चुका है, या फिर वो कोइंसिडेंस भी हो सकता है बलून का। एंड यहाँ पे एक फ्रीज यूज कर लिया और तीन फ्रीज स्पेल का यहाँ पे स्वैग कर दिया, तीन स्पेस का स्पेल इसने यहाँ पे स्वैग किया है टाउन हॉल 12 पे, वो भी दुनिया का नंबर वन पुशर डॉक्टर मुश्तबा। यार डॉक्टर मुश्तबा की मतलब कोई एक आईडी हम लोग आइडेंटिफाई नहीं कर सकते, क्योंकि पूरा क्लैन, पूरे क्लैन में उसी की आईडीज है। अगर हम लोग आइडेंटिफाई कर सकते हैं तो भाई वो सिर्फ टैग्स है, ठीक है। तो गाइस वो तो हो चुका है यहाँ पे थ्री स्टार। अभी हम लोग देखते हैं डॉक्टर मुश्तबा जो नंबर टू का टॉप बेस है वो यहाँ पे थ्री स्टार किया है सोहेल ने, एक बार इसका रिप्ले चेकआउट कर लेते हैं। तो ये भी बेस ठीक है यार, मतलब टाउन हॉल 12 के वॉर लेआउट होते ही है भाई, वो वॉल्स देख के लगता है ये कि भाई बहुत खतरनाक है। तो इस बेस के ऊपर भी इसने देखो यहाँ पे कौन सी आर्मी यूज करी है, क्वीन वॉक विथ माइनर, एक पेका भी यूज किया है एंड एक इलेक्ट्रो ड्रैगन भी यूज किया है। सबसे पहले एक इलेक्ट्रो ड्रैगन वहां पे, एक बलून यहाँ पे, ओके यहाँ पे दो विजर्ड्स एंड स्टार्टिंग में पेका, पीछे से दो विजर्ड्स, स्विच मशीन डाल दी यहाँ पे एंड क्वीन भी आ चुकी है, फनल वगैरह अच्छे से क्रिएट हो चुका है फाइनली। ओके पेका साइड में आ रहा है एंड फनल मस्त क्रिएट हो चुका है। वॉल ब्रेकर ने बहुत ही अच्छी तरीके से वॉल ब्रेक करी है एंड पीछे से क्वीन के पीछे से हिलर्स, पेका अभी भी जिंदा है एंड सीसी में एक आइस गोलम, एक बेबी ड्रैगन, एक विच, बहुत सारा स्टफ था, एक पॉइजन स्पेल भी वहाँ पे आ चुका है। एंड सीसी के अंदर यार ऑब्वियसली यार सभी लोग तो वही लेते हैं, पूछने की मतलब बोलने की जरूरत ही क्या है, एक पेका और आइस गोलम। एंड यहाँ पे दो वॉल्स ब्रेक हो चुकी है, तीन वॉल्स, एक दो तीन वॉल्स ब्रेक हो चुकी है। टाउन हॉल देख लो यार, पेका अभी मरने वाला है, क्वीन की हेल्थ फुल है एंड एनिमी आ चुकी क्वीन यहाँ पे बहुत ही जल्दी डाउन। ओह एबिलिटी देती नहीं तो भाई इसकी क्वीन मर जाती अगर एबिलिटी नहीं देता तो। एंड यहाँ पे क्वीन ने बहुत ही मस्त काम किया, सीसी डाउन कर ली, एनिमी क्वीन डाउन कर ली, ईगल आर्टिलरी भी डाउन कर लिया, यहाँ पे बार्बेरियन किंग आ चुका है। ओके माइनस यहाँ से डालेगा, मे बी वैसा ही लग रहा है देख के, यस लगा ही था वहीं से डालेगा एंड वहीं से डाले हैं। एक जंप स्पेल भी यूज किया है इसने टाउन हॉल के ऊपर एंड टाउन हॉल का गीगा बॉम्ब फूट गया, एंड टाउन हॉल का बॉम्ब फूट गया यहाँ पे। एनिमी बार्बेरियन किंग यहाँ पे प्रॉब्लम दे सकता है बहुत ही ज्यादा। माइनस यार क्या काम कर रहे हैं सीधा कोर में, मतलब ना ही कोई दूसरे बिल्डिंग्स को डाउन कर रहे हैं, अंदर जितने भी डिफेंसेस है सिर्फ डिफेंसेस के ऊपर ही जा रहे हैं यार माइनस। मतलब इसने बार्बेरियन किंग के साथ बहुत ही अच्छी तरीके से काम किया है, बहुत ही अच्छी तरीके से फनल बनाया, देन उसके बाद माइनस सीधा कोर में सिर्फ डिफेंसेस है ना ही कोई बिल्डिंग्स है एंड साइड से बार्बेरियन किंग तो वैसे भी साफ कर ही रहा है एंड यहाँ पे ग्रैंड वार्डन की एबिलिटी बची है एंड यहाँ पे अपनी आर्चर क्वीन डाउन हो चुकी है। एक बार 2x स्पीड में देख लेते हैं, बहुत सारे माइनस बचे गाइस यहाँ पे एंड वार्डन की एबिलिटी भी पड़ी थी एंड एक हील स्पेल भी पड़ा है यार इसके पास। यार मतलब टाउन हॉल 12 पे हैं, होते हैं स्पेल स्वैग, होते हैं टाउन हॉल 12 पे। यार जो मैंने वो पहला अटैक देखा ना भाई, तीन फ्रीज स्वैग का मजा आ गया भाई वो अटैक देख के। एंड गाइस ये हो चुका है यहाँ पे थ्री स्टार क्वीन वॉक विथ माइनर, ओके सोहेल ने अटैक किया था। एंड अभी हम लोग एक और बेस्ट अटैक देखने वाले हैं नंबर चार पे, ठीक है। शकीब ने अटैक किया था नंबर चार पे, ये भी डॉक्टर मुश्तबा का ही मतलब पूरा क्लैन ही उसका, मतलब सभी अकाउंट ही उसके भाई, 50-100 टैबलेट लेके खेलता होगा वो। तो गाइस यहाँ पे भी सेम आर्मी यार पिक का वो बैट, मतलब बताए बोले ही क्या भाई, अब बोलने को कुछ बचा ही नहीं है। यहाँ पे फनल वगैरह क्रिएट हो चुका है एंड पिक्का स्कोर में जाएंगे, बोलर्स आ गए, पीछे से हीरोज आ गए, देन अभी हिलर्स भी आएंगे, आ गए हिलर्स। क्या मतलब यार ये पिक्का बोबेट बहुत ज्यादा फेमस हो रही है, मतलब है ही यार उतनी फेमस, थ्री स्टार कोई भी नूप थ्री स्टार कर लेगा। अब मेरे अटैक्स देखते हो ना तो भाई होते हैं ना थ्री स्टार, तो भाई कोई भी नूप कर सकता है यार पिक्का बोबेट के साथ थ्री स्टार। तो यहाँ पे वार्डन की एबिलिटी कम ऑन जल्दी दे दीजिए, आप प्रॉब्लम आ सकती है गाइस। एंड बॉम्ब फूट गया लेकिन कुछ ज्यादा हार्म किया नहीं उस बॉम्ब ने, ओके एक और दो विजिट टावर्स यहाँ पे है, ये विजिट टावर फूट सकता है लेकिन नहीं फूटा। चलो गाइस देखते हैं, चार फ्री स्पेल्स है इसके पास एंड पांच बैट स्पेल्स है, तो कहाँ से डालेगा यार, बैटिंग कहाँ से स्टार्ट करेगा।
कम ऑन, अभी अपने हीरोज तो अंदर जा रहे हैं, यहाँ पे बहुत सारे हीरोज है, बोलस है, किंग है, पेक्का भी है एक, तो ये इन्फर्नो टावर डाउन हो सकता है यहाँ पे, ठीक है। आचे क्वीन के पास हेल्थ है, आचे क्वीन के पास एबिलिटी है, किंग के पास एबिलिटी है, तो बैट्स इसने यहाँ से डालना स्टार्ट किए हैं। तीन विजर टावर्स बचे हैं एंड चार फ्री स्पेल्स पड़े हैं इसके पास, एंड एक विजर टावर तो वैसे भी बिजी। हाँ क्या मतलब डालने की जरूरत थी लिटरली? क्या उसने टेस्ट किया? पता नहीं, देख लेते हैं। कम ऑन, अभी डालेगा फ्रीज, आहा एक्यूरेट टाइमिंग। कम ऑन विजिट टावर डाउन, ओ बच गए भाई, बैट्स बच गए यहाँ पे, एक और विजिट टावर बचा है। कम ऑन डाल दे भाई, ओह नहीं डाला भाई इसने, एक बार फोर इंटू स्पीड में देख लेते हैं। एंड वैसे भी यार थ्री स्टार हो ही चुका है गाइस ये बेस, ठीक है। दो फ्री स्पेल तो इसने वैसे भी वेस्ट कर दिया है, मतलब एक तो स्टार्टिंग में एंड एक लास्ट में, तो यहाँ पे भी दो स्पेल्स का स्वैग हुआ है, हम लोग ऐसे बोल सकते हैं। तो गाइस यार ये थी यार डॉक्टर मुज्तबा के क्लैन के साथ वॉर, एंड कॉमिला रॉयल्स ने यार हरा दिया भाई डॉक्टर मुज्तबा को। एंड ये कॉमिला रॉयल्स वन ऑफ द बेस्ट वॉर क्लैन है भाई बांग्लादेश का, टाउन हॉल 12 के 50 वर्सेस 50 वॉर करते हैं बेसिकली। तो गाइस डॉक्टर मुज्तबा के यहाँ पे 50 से ज्यादा अकाउंट्स हो सकते हैं, ठीक है। तो आप लोग मुझे कमेंट करके बताओ आपके कितने अकाउंट्स है यार, सभी लोग कमेंट करके बताओ आप लोग कितने अकाउंट्स पे खेलते हो क्लैश ऑफ क्लैंस। तो गाइस बस यार आज के लिए इतना ही, एंड यार सब्सक्राइब नहीं किया तो करो भाई, 5 लाख बहुत ही जल्दी करवाने, और लाइक 10,000, ठीक है भाई, इस वॉर के लिए बनते हैं यार 10,000 लाइक्स। मैं मिलता हूं आप लोगों को अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।